बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? तो जी, आज देने जा रही हूँ मैं आप लोगों को पाई की रेसिपी, और आज आप लोगों की फरमाइश पूरी होने वाली है, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आप लोगों के आए थे मेरे पास कि आप लोगों को पाई की रेसिपी चाहिए। तो चलें, पाए धोने का तरीका तो मैंने आप लोगों को अपनी पहले वीडियो में बता दिया था। तो अच्छी तरह से धोने के बाद अब मैंने इसके अंदर खूब सारा पानी डाला है, तकरीबन कोई 3 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया था, और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला है नमक, और एक ये पोती थी लहसुन की पूरी, इसको मैंने छील लिया है, और बस इसको काटूंगी नहीं, ऐसी साबुत ही डाल दूंगी। और ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था, और 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज थी। बस इन सब चीज़ों को बस मैंने ऐसे मोटा मोटा, प्याज को मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और इसके अलावा ये 2 से 3 अदद तेज़पात के पत्ते हैं, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और 15-16 काली मिर्चें थीं, और इतनी ही लौंगे हैं, और 2 अदद बड़ी इलायची, और 3-4 स्टिक थी दालचीनी की। तो बस ये सारा सामान डालकर अब मैं इसको उबाल लूँगी, और इसको 2-3 घंटे के लिए मैं उबालूँगी यहाँ पर। अभी देखिए इसमें बॉयल आ गया है, तो एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी, और ऊपर से जो हल्का इसमें झाग आ गया ना, तो मेला मेला झाग को उतार दिया था मैंने, और अब इसको 2-3 घंटे के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और अभी यहाँ देखें, ये 2-3 घंटे हो गए इसको पकते हुए, और ये जो पाया है ये भी तकरीबन हमारा ना आधा अभी गल चुका है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बोंग का गोश्त, और बोंग का गोश्त जो है आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, अगर चाहें तो डाल लें, वरना सादे पाए भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ जो है मैंने 1/2 kg ये बोंग का गोश्त लिया है, और इस तरह से बड़े बड़े पीस लेकर मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। अगर ये मैं पहले ही डाल देती ना, तो बोंग का गोश्त तो ज़रा जल्दी गल जाता है, इसलिए पहले मैंने पाए को आधा गला लिया, और उसके बाद अब जो है मैंने ये बोंग का गोश्त इसमें शामिल कर दिया है, और अभी दोनों चीज़ें एक साथ गल जाएंगी, क्योंकि जब तक पाया अच्छी तरह से गला हुआ हो ना, तो उसको खाने का मज़ा नहीं आता है। तो एक मरतबा फिर जो है मैं इसको 2 से 3 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी हल्की आंच पर। तो जी, यहाँ 5-6 घंटे तकरीबन ये मैंने पकाए थे पाए, और यहाँ जो है बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब जो है मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ 1 प्याली मैंने तेल लिया है, और 1 अदद दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज को काट लिया है, और जैसे ही बस इसके अंदर हल्का सा गोल्डन कलर आया, तो यहाँ जो है मैंने 3 अदद प्याज को पीस लिया था, और अब इसके अंदर ये भी मैं शामिल कर दूँगी। और प्याज शामिल करने के बाद जो है ना, इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, और इसके बाद जो है अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 टेबल स्पून मैं भर के इसके अंदर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब ये दोनों चीज़ें डाल कर ना, जो फ्राई की थी प्याज उसके साथ ही, ये दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ताकि इसका जो कच्चापन है प्याज का और लहसुन अदरक का, वो निकल जाए। तो अब जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसे हुए मसाले। तो 2 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें ली है पिसी हुई मिर्च, और 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला है पिसा हुआ धनिया, और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर पिसी हुई हल्दी डाली है, और 1/2 टीस्पून ही नमक डाला है। तो नमक ज़रा हाथ रोक के डालें, क्योंकि जब मैंने पाए गलाने के लिए रखे थे ना, तो उस वक्त भी मैंने 2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाला था। और अब थोड़ा सा इसको मिक्स किया है, और 1/2 प्याली जो है मैंने इसके अंदर लिया है दही, और बहुत अच्छी तरह से फेंट के दही को मैं इसमें शामिल करूँगी। और आँच मैंने बिल्कुल इस वक्त हल्की कर दी है, क्योंकि हल्की आँच करके ही हमेशा दही डालना चाहिए, और लम्स नहीं होने चाहिए दही में बिल्कुल भी ना। और टमाटर का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ पाए में। तो यहाँ जो है हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, और ये जो मैंने पाए गल गए थे ना, इसमें से ही निकाल लिए हैं थोड़े से शोरब, इसका जो यखनी थी ना उसमें से निकाल लिए हैं, और जो ये बाकी रह गए हैं ये सभी मैं निकाल कर इसके अंदर शामिल कर दूँगी। सारा गोश्त मैंने निकाल कर मसाले में शामिल कर दिया है, और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसको भून लिया था, और अब जो है मैं ये जो यखनी मेरी बची हुई थी ना, इसको भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो इस तरह से मैं निथार कर जो है ना, इसको डालूंगी, ताकि इसके अंदर जो भी बाकी चीज़ें रह गई ना, गर्म मसाला वगैरह, वो सब इसके अंदर ही रह जाए। और प्याज और लहसुन वगैरह जो मैंने डाला था ना, क्योंकि इतनी देर पकाए, 5-6 घंटे तक ये पकाए, तो वो तो सारा इसके अंदर घुल गया था, लेकिन जो मैंने गरम मसाला और तेज़पात वगैरह डाला था ना, वो इसके अंदर रह गया है। और बाकी जो हड्डियाँ भी होती हैं, थोड़ा थोड़ा सा चूरा होता है हड्डियों का, वो भी इसके अंदर देखें यहाँ नीचे सारा रह गया है। और अगर मैं ऐसे ही पूरा शामिल कर देती ना इसको, तो ये सारे जो हड्डियों का चूरा होता है ना, ये सारा उस सालन में चला जाता है, और खाने के टाइम पर ये बहुत ही जो है ना, फिर वो ख़राब लगता है। तो इस तरह निथार कर डालेंगे ना हम, तो ये सारी जो किर्चियाँ होती हैं हड्डियों की, ये इसमें रह जाएंगी। और यहाँ अब जो है हम चेक कर लेंगे कि हमें अगर और पानी की ज़रूरत है, तो हम इसके अंदर इसी टाइम पे हम शामिल कर लेंगे। और मुझे तो ज़रूरत नहीं थी, जितनी यखनी मेरी बची हुई थी ना, ये मेरे लिए बिल्कुल इसमें परफेक्ट रही थी। अगर आप लोगों को लगे कि पानी कम है, तो आप लोग डाल लीजिएगा। और अब जो है बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी, क्योंकि हर चीज़ तो हमारी पकी हुई है। तो अब जो है यहाँ देखें, 10 मिनट तकरीबन मैंने हल्की आँच पर इसको पकाया था, और यहाँ ये तैयार हो चुका है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पाया। और ऊपर से जो है अब मैं इसके अंदर
पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। तो 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। और अभी इसके ऊपर थोड़ा सा रोगन मुझे कम लग रहा है, तो लेकिन जैसे जैसे ही ठंडा होता जाएगा ना वैसे इसके अंदर ये रोगन ऊपर आ जाएगा इसका। और हरा मसाला अब मैंने इसके अंदर डाल लिया है और हरा मसाला तो पाए की जान है और इसी से रौनक आती है सालन के ऊपर। तो हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक, ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी। तो जी यहाँ जो है बहुत ही लजीज पायत बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आप लोगों को दी है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। और मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि बहुत ही मज़े के पाए बने थे और सबको ही बहुत पसंद आए थे। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, एक मरतबा अपने घर वालों को ज़रूर बनाकर खिलाइएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।